सो वेलकम बैक गाइस टू दिस सेशन ऑफ कास्टिंग। हम ऑलरेडी माय डियर काफी स्टेप्स कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसीजर के देख चुके हैं, जैसे पहला प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न था, फिर प्रिपरेशन ऑफ माउल्ड था, फिर आफ्टर माउल्ड वी हैव सीन द गेटिंग सिस्टम डिजाइन, देन द राइजर डिजाइन, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन पोरिंग, सॉरी मेल्ट द मेटल एंड पोरिंग ऑफ मॉल्डर। सिक्स स्टेप्स आर ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर कमिंग टू स्टेप नंबर 7 माय डियर, एंड स्टेप नंबर 7 is solidification। And my dear, अब जब molten metal हमने cavity के अंदर pour कर दिया है, तो molten metal solidify होगी। अब solidification भी हम इतना loosely नहीं छोड़ सकते कि अपने आप जैसा होना होगा हो जाएगा। solidification भी कैसा हम चाहते हैं, किस तरह की हम property चाहते हैं, और उसके हिसाब से अगर हम डिस्कशन करें किस तरह के मटेरियल से, किस तरह की सिचुएशंस में सॉलिडिफिकेशन होता है, उसमें दो तरह की डिस्कशन यहाँ पर आती है। तो माय डियर, उसमें जो सॉलिडिफिकेशन की दो टाइप डिस्कस की जा रही है, उसमें सबसे पहला है जिसको बोलते हैं स्किन फॉर्मिंग, इसको बोलते हैं स्किन फॉर्मिंग। एंड माय डियर, फर्स्ट वन इज स्किन फॉर्मिंग, एंड सेकेंड वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेंड्रिटिक ग्रोथ। दिस इज डेंड्रिटिक ग्रोथ। तो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो स्किन फॉर्मिंग है, ये जनरली हमें प्योर मेटल्स के केस में मिलती है, या तो यूटेक्टिक कंपोजिशन के केस में मिलती है। अगर हम प्योर मेटल की बात कर रहे हैं, तो प्योर मेटल्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि कूलिंग का, जब हम बात कर रहे हैं, या मैं बोलूं ऐसे मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूं जिनके लिए सॉलिडिफिकेशन जो होता है, मतलब जब सॉलिडिफिकेशन जो होता है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है। मतलब जैसे ये पहले लिक्विड था, अब ये लिक्विड से लेकर के लिक्विड प्लस सॉलिड रहेगा, और उसके बाद ये सॉलिड रहेगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लिक्विड से सॉलिड, ये एक ही टेम्परेचर पे हो रही है। ऐसे मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं जब हम स्किन फॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स में हमें स्किन फॉर्मिंग मिलता है। और माय डियर, अगर हम कुछ और मटेरियल्स की बात करें, जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, ये बेसिकली वैलिड है कंपाउंड्स के केस में या प्योर मेटल के केस में। और यहां पर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एलोएज में सॉलिड सॉल्यूशन के केस में वैलिड है। इसमें क्या होता है, जैसे पहले मैंने इसको लिक्विड स्टेट में लेके आया, लिक्विड स्टेट में था, कूल करना शुरू करोगे तो ये इस पॉइंट से सॉलिडिफिकेशन होना शुरू जरूर होगा, पर सॉलिडिफिकेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना होकर वेरिएबल टेम्परेचर पे होगा। एंड माय डियर, अगर ऐसा है तो लिक्विड प्लस सॉलिड जो मिलेगा, ये इस रेंज ऑफ टेम्परेचर में मिलेगा, और इसके बाद देन इट इज गोइंग टू बिकम सॉलिड। सो माय डियर, दिस काइंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज पॉसिबल, दिस टेम्परेचर टाइम कर कूलिंग कर इज पॉसिबल फॉर प्योर मेटल्स, फॉर प्योर मेटल्स, और मैं बोलूंगा कंपाउंड्स। एंड माय डियर, इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ यूटेक्टिक कंपोजिशन। अब यूटेक्टिक कंपोजिशन क्या होता है, जब हम मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, मटेरियल साइंस में हमने कुछ फेज डायग्राम देखे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। कुछ इस तरीके के फेज डायग्राम बनते थे, और इस तरीके के फेज डायग्राम जब बनते थे तो हम ये देखते थे कि इस के ऊपर पूरा लिक्विड है, यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड है और यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड है और यहाँ सॉलिड है। और माय डियर, इस पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। इस यूटेक्टिक पॉइंट पे लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना मतलब ऐसे कंपोजिशंस जिसके लिए सॉलिड प्लस लिक्विड फेज आती ही नहीं, उसको यूटेक्टिक कंपोजिशन बोलते हैं। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मटेरियल साइंस में मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में ये सारी चीजें। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए बस ऐसा समझें कि ऐसे मटेरियल्स जो यूटेक्टिक कंपोजिशन हो, या प्योर मटेरियल, प्योर मेटल हो, इस तरीके के जहां पर बेसिकली लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाए सॉलिड के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ऐसी कंडीशंस को हम बेसिकली बात कर रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें स्किन फॉर्मिंग जैसी सॉलिडिफिकेशन मिलेगी। अब माय डियर, देखते हैं स्किन फॉर्मिंग बेसिकली होती क्या है। ये मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ अपनी कैविटी का, जो कास्टिंग की कैविटी होगी उसका टॉप व्यू आपके सामने है। तो माय डियर, होता ये है, जैसे टॉप व्यू है तो आपको पता है, ये जो ऐसे माउल्डिंग फ्लास्क थी और इसके अंदर माउल्डिंग सैंड रही होगी, और ऊपर से आप देख रहे हो कैविटी। तो कैविटी में जब मोल्टन मेटल को पोर किया होगा, मोल्टन मेटल किसके कॉन्टेक्ट में आएगी, ऑब्वियसली माउल्डिंग सैंड जो है, सैंड की जो वॉल्स है उसी के कॉन्टेक्ट में तो आएगी, और सैंड, माउल्डिंग सैंड की जो वॉल्स है वो ठंडी होगी, मोल्टन मेटल गर्म होगी। सो माय डियर, माउल्डिंग सैंड की जो वॉल्स है, दे आर बेसिकली ऑब्वियसली दे विल बी कूल, एंड जो मोल्टन मेटल है वो हॉट होगी। तो जब ये गर्म गर्म मोल्टन मेटल, व्हेन इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड माउल्ड वॉल्स, तो माय डियर जो माउल्ड वॉल्स है, यहां से कुछ सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकलेंगे,
देयर विल बी सम सॉलिडिफिकेशन फ्रंट, जैसे आपने देखा होगा जैसे आप बर्फ वगैरह जमाते हो तो फ्रिज में जब आप रखते हो तो आपने देखा होगा कई बार जब बर्फ पूरी नहीं जम पाती इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से या फिर आपने प्रॉपर समय नहीं दिया होता तो आप कई बार देखते हो बीच में पानी पानी होता है, साइडों से बर्फ आ रही होती है। सो माय डियर जो कूलर वॉल्स है, वॉल्स मतलब मोल्डिंग सैंड की जो वॉल्स है वहां से सॉलिड होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा टॉप व्यू दिखा रहा हूं तो यहां से कुछ सॉलिडिफिकेशन फ्रंट ऐसे निकल रहे हैं, ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकल रहे हैं जो कि सॉलिडिफिकेशन फ्रंट का मतलब क्या है कि यहां से सॉलिड होना शुरू हो चुका है, सॉलिडिफिकेशन फ्रंट यहां से निकल रहे हैं एंड माय डियर यहां से ऐसे 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 इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकल रहे हैं और ये निकलते हुए सॉलिडिफिकेशन फ्रंट माय डियर सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मोल्टन मेटल जब माउल्डिंग सैंड की वॉल्स से सेंटर की तरफ सॉलिडिफाई होते हुए मूव करती है तो लेयर बाय लेयर मटेरियल सॉलिडिफाई होता चला जाता है, तो क्योंकि लेयर बाय लेयर होता है इसलिए इसको स्किन फॉर्मिंग बोलते हैं। अब माय डियर आपको तो पता है मोल्टन मेटल श्रिंक भी होता है जिसके लिए आप श्रिंकेज अलाउंस दिया करते थे और कॉम्पेंसेशन के लिए राइजर भी होता था पहली दो स्टेज में। तो माय डियर जब ये चारों साइड से वॉल्स से ऐसे सॉलिडिफाई होता हुआ आ रहा है तो सारी की सारी श्रिंकेज जो एकोमोडेट होगी वो कहां पे होगी, ऑब्वियसली सेंटर पे होगी। तो माय डियर जो सारी की सारी श्रिंकेज सेंटर पे एकोमोडेट होती है उसको सेंटर पर ही एक राइजर प्रोवाइड करके हम कंपेंसेट कर सकते हैं। तो माय डियर इस तरह की सॉलिडिफिकेशन को स्किन फॉर्मिंग बोलते हैं, ये आइडियल सॉलिडिफिकेशन है माय डियर और कहीं ना कहीं हमारी डिजायर है कि हम ऐसी ही सॉलिडिफिकेशन को ऑब्टेन कर पाए, अचीव कर पाए। सो दिस टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज नोन एज स्किन फॉर्मिंग। सो माय डियर दिस इज बेसिकली ये जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट जो निकल रहे हैं इन सॉलिडिफिकेशन फ्रंट को हम प्राइमरी डेंड्राइट्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डेंड्राइट्स। एंड माय डियर ये प्राइमरी डेंड्राइट्स सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, जब ये सेंटर में जाकर मिलेंगे तो ये वहां पर जो एक श्रिंकेज एकोमोडेट होगी उसको कवर अप करने के लिए सेंटर पे हम एक राइजर प्रोवाइड कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा माय डियर, दिस इज नोन एज स्किन फॉर्मिंग। एंड माय डियर नेक्स्ट वन इज डेंड्रिटिक ग्रोथ। अब अगर हम डेंड्रिटिक ग्रोथ की बात करते हैं माय डियर, ये ऐसे कंपोनेंट्स में मिलता है जहां पे जो कंपोजिशन है वो मशी जोन है। मशी जोन क्या होता है समझना, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो तो लिक्विड डायरेक्टिक ग्रोथ इनटू सॉलिड, ये टेक्टिक कंपोजिशन है। पर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी क्योंकि मटेरियल साइंस में देखना है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड और यहाँ सॉलिड, तो लिक्विड प्लस सॉलिड वाला जो जोन है माय डियर उसी को बोलते हैं मशी जोन, मतलब जहां पे लिक्विड और सॉलिड दोनों आपस में प्रेजेंट है। यहाँ क्या था कि एक टेम्परेचर पे ही लिक्विड से सॉलिड बन गया था, यहाँ पे एक टेम्परेचर की रेंज में लिक्विड और सॉलिड प्रेजेंट है। सो माय डियर उसके कारण होता ही है जैसे आप अभी देख रहे थे कि माउल्डिंग वॉल्स जो है सैंड वॉल्स वहां से जो प्राइमरी डेंड्राइट्स निकलेंगे जिनको मैं सॉलिडिफिकेशन फ्रंट बोल रहा हूँ वो तो निकलेंगे ही, वो तो निकल ही रहे हैं, वो सेंटर की तरफ मूव भी कर रहे हैं। बट यहाँ पर होता ये है कि सेंटर में कहीं पर मशी जोन हो जाता है, मशी जोन मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड का कंपोजिशन। तो जहां मशी जोन हो जाते हैं वहां से एक अलग तरह के डेंड्राइट्स निकलना शुरू करते हैं, वहां से भी सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकलने शुरू होते हैं। एंड माय डियर अलग तरह के डेंड्राइट्स को हम सेकेंडरी डेंड्राइट्स बोलते हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी डेंड्राइट्स। और ऐसा देखा जाता है माय डियर बाय रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कि प्राइमरी डेंड्राइट जहां सेकेंडरी डेंड्राइट से टकराते हैं वहां पर वॉइड बन जाता है। अब आप देख रहे हो प्राइमरी डेंड्राइट तो कहां कहां से आ रहे हैं, सेकेंडरी डेंड्राइट यहां से जा रहे हैं। अब ये दोनों तो बहुत सारे पॉइंट्स पर मिलेंगे, अगर मान लो 100 पॉइंट्स पर मिलेंगे तो हम 100 जगह उस श्रिंकेज के या वॉइड के कंपनसेशन के लिए 100 जगह राइजर थोड़ी दे सकते हैं। सो माय डियर ऑब्वियस सी बात है राइजर तो एक ही लगाएंगे हम। तो अगर ऐसा है तो ऐसे केसेस के अंदर ये जो चीज है हमें किसी भी तरीके से सेकेंडरी डेंड्राइट को बनने से रोकना होगा, या तो हम ऐसे मटेरियल्स की कर रहे हैं तो सोचना ही नहीं है, पर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो सेकेंडरी डेंड्राइट को बनने से रोकना है। सेकेंडरी डेंड्राइट कब आता है, मशी जोन की वजह से, मतलब जब इस स्टेज में हम पहुंच जाए। तो माय डियर इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे प्राइमरी डेंड्राइट जब तक सेंटर तक नहीं पहुंचते तब तक इनको बनने से अवॉइड करना है। तो माय डियर हम क्या करते हैं, इस कास्टिंग कैविटी के अंदर जगह जगह पर मेटल के कुछ पीसेस रख देते हैं। जब हम जगह जगह पर मेटल के कुछ पीसेस रख देंगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक मेटल का पीस रख दिया और उसी मेटल का रखना है जिसकी कास्टिंग हो रही है, जैसे आपने यहाँ पे ऐसे कुछ मेटल के पीस रख दिए, अभी टॉप व्यू दिखा रहा हूँ इस चीज को भी माइंड करेंगे। तो जैसे मोल्टन मेटल आएगा, मोल्टन मेटल इसी मटेरियल का, उसका टेम्परेचर इतना हाई रखेंगे कि ये साथ साथ मेल्ट हो जाए, पर भले ही साथ साथ मेल्ट होकर उसमें मिक्स हो जाए, पर ऑब्वियसली यहां से क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में था
यहां से ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकलेंगे और दीस सॉलिडिफिकेशन फ्रंट एक्ट्स एज अ प्राइमरी डेंड्राइट ओनली. तो जब यहां से प्राइमरी डेंड्राइट निकलेंगे उसी समय पर यहां से भी प्राइमरी डेंड्राइट निकलेंगे जो कि सेंटर पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. तो सेकेंडरी डेंड्राइट फॉर्म हो उससे पहले प्राइमरी डेंड्राइट सेंटर तक पहुंच जाए तो माय डियर हम इस कंडीशन से भी बच सकते हैं. एंड माय डियर सच कंडीशन इज नोन एज डेंड्रिटिक ग्रोथ. तो प्राइमरी डेंड्राइट्स सेकेंडरी डेंड्राइट से जहां मिलेंगे वहां वॉइड हो सकता है और बहुत सारे वॉइड्स को कवर करने के लिए वी नीड बहुत सारे राइजर जो कि फिजिबल नहीं है. सो माय डियर फॉर दैट पर्पस वी नीड टू वर्क ऑन इट. एंड माय डियर वर्क किस तरीके से करेंगे, जैसा मैंने अभी आप लोगों से बताया कि ऐसी कंडीशंस में हम कुछ मेटल के पीसेस रखेंगे और इन मेटल के पीसेस को चिल्स कहा जाता है और ये मेटल के पीसेस उसी मटेरियल के होते हैं जिस मटेरियल की कास्टिंग हो रही है और मोल्टन मेटल का टेम्परेचर इस तरीके से रखा जाता है कि वो आते ही इनको पिघल दे ताकि कास्टिंग में किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं हो. एंड माय डियर जैसे इसको ये मेल्ट करेगा ऑब्वियसली बात है सॉलिड भी फ्रंट निकलेंगे, सॉलिड था ये और इन फ्रंट से वो सेंटर पे जल्दी रीच कर जाएंगे प्राइमरी डेंड्राइट्स. अब ये नेचर ऑफ दोस डेंड्राइट्स और साउंड टू बी जस्ट लाइक द प्राइमरी डेंड्राइट्स. सो माय डियर बाकी इस तरह की जो डिटेल्स है एलोएज में क्या क्या कैसे कैसे होता है, फेज डायग्राम कैसे बनते हैं, ये सारी डिटेल हम मटेरियल साइंस में बहुत 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 डिटेल में देखने वाले हैं. अभी के लिए फिलहाल माय डियर दिस इज स्टेप नंबर 7 एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 7. नाउ वी आर कमिंग टू स्टेप नंबर 8, 9, and 10 जस्ट अबाउट टू कंप्लीट माय डियर दिस. एंड आफ्टर द कंप्लीशन वी आर गोइंग टू सी द डिजाइन ऑफ कोर एंड देन वी विल सी चैपलेट्स एंड कोर प्रिंट्स. एंड आफ्टर दिस will be moving to our types of molding techniques and by doing that our conventional casting procedure will be over. Then we'll move on to the non-conventional casting procedures. After non-conventional we'll go to casting defects and after that we'll go for miscellaneous. In miscellaneous I'm going to tell you the materials by which moldings and properties are improved. जैसे cohesiveness किससे बढ़ेगी, adhesiveness किससे बढ़ेगी, सारे materials. इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें जैसे कि टाइप्स ऑफ पैटर्न, कई तरह के पैटर्न होते हैं 12-15 तरह के, वो डिस्कशन भी होगा. तो माय डियर इस तरीके से हम हर एक चीज को बहुत डिटेल में देखते हुए खत्म करेंगे कास्टिंग को और आपको इस तरीके से पढ़ना है. और जैसा मैंने आपसे बताया था तो वेल्डिंग का टेस्ट हमने 1 तारीख को पोस्टपोन किया है और 1st में आई विल बी अपलोडिंग दैट टेस्ट ऑन योर ग्रुप. सो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑफ वेल्डिंग. इट विल बी हैविंग द क्वेश्चंस अराउंड 25 क्वेश्चन. बाकी फिर भी एक बार मैं पूरा फॉर्मेट जो है आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. तो आप तैयारी करें, अभी आपके पास 5 से 6 दिन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. वेल्डिंग के टेस्ट अगर आप सीरियसली देंगे अच्छे से, फिर हम कास्टिंग का भी इसी तरीके से अरेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे आगे. तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी और कास्टिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कास्टिंग कंप्लीट होने से पहले पहले आपके ग्रुप पे अपलोड कर दिए जाएंगे. सो होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. नाउ लेट अस गो फॉर स्टेप नंबर 8. So my dear, let us discuss step number 8. And it is fettling. So my dear, अब solidification होने के बाद वक्त आ गया कि हम mold को तोड़ दें. Obviously क्योंकि जो mold है वो sand का है, तो इसको हम तोड़ेंगे, दोबारा से cavity बनेगी, फिर से होगा सब कुछ. Permanent mold के केस में ऐसा नहीं होता, फिर वो non-conventional हो जाता है. Conventional तो यही procedure है. सो माय डियर फैटलिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो पूरा माउल्ड है उसको एक वाइब्रेशन मैकेनिज्म पे डाल देते हैं. हालांकि आपने कॉलेज में बिल्कुल एक हैमर लेकर के उसको तोड़ दिया था, वो एक अलग चीज़ है, बट द रियल प्रोसीजर बट इट से ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है. वैसे तोड़ना भी फैटलिंग ही कहलाएगा, पर जनरली जो किया जाता है अगर हम फैटलिंग की बात करें तो एक वाइब्रेशन मैकेनिज्म में हम पूरे माउल्ड को रखते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से माउल्ड को ब्रेक कर दिया जाता है. फिर गेटिंग सिस्टम राइजर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स थे इनको रिमूव कर दिया जाता है माय डियर, और इनको रिमूव करने के बाद फिर हमें कास्टिंग मिल जाती है. दैट स्टेप कम्स अंडर फेटलिंग. और आफ्टर फेटलिंग माय डियर वी गो फॉर सरफेस फिनिश. तो स्टेप नंबर 9 अगर हम बात करते हैं दैट इज बेसिकली फिनिशिंग. अब अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग में क्या क्या चीजें आती है. कई बार होता ये कि हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से गेटिंग सिस्टम का डिजाइन इस तरीके से हो कि सैंड माउल्ड का एक भी पार्टिकल इरोड नहीं हो जाना चाहिए. गेटिंग सिस्टम को इस तरीके से बनाया था, पोरिंग मोमेंटम को कम रखा था, बहुत कोशिशें की थी हमने, स्प्लैश कोर्स लगाया हमने, स्ट्रेनर लगाया हमने, स्किन बॉब लगाया, तो बहुत कुछ किया हमने ऐसा. बट माय डियर स्टिल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सैंड माउल्ड का एक पार्टिकल दो पार्टिकल सरफेस पे स्टिक कर जाता है कास्टिंग के.
अब माय डियर अगर वो स्टिक करेगा तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेलाइट पॉकेट्स, आई एम सेइंग कि सैंड पार्टिकल स्टिक कर गया, रिएक्ट नहीं किया, बस स्टिक कर गया, चिपक गया कास्टिंग के साथ। तो ऐसे केस के अंदर माय डियर हम क्या करते हैं, स्टील की 2 से 5 mm की बोल्स बना करके एयर प्रेशर के अंदर उसको बम्बार्ड करते हैं कास्टिंग के ऊपर। और जब वो बम्बार्ड करते हैं ऑब्वियसली इस प्रेशर में बम्बार्ड करेंगे कि उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना दे, वो सिर्फ उन सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए होता है माय डियर। तो अब हम जब उसको बम्बार्ड करते हैं तो अगर ऐसे कोई भी पार्टिकल कास्टिंग के ऊपर जमा होते हैं तो वो पार्टिकल कास्टिंग से माय डियर अलग हो जाते हैं। तो दिस कम्स अंडर सर्फेस फिनिश, और उसके बाद मशीनिंग होगी, वो तो होती है कास्टिंग में। तो ये सारी चीजें जो है सर्फेस फिनिशिंग के अंडर आती है माय डियर। सो दिस इज स्टेप नंबर 9। नाउ आई एम कमिंग टू स्टेप नंबर 10। If we are talking about step number 10, it is testing. अब my dear casting बन गई है तो इसको test भी करना पड़ेगा। Test करने के बहुत सारे procedures हैं और जो basic कुछ use होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा first one, जो सबसे बिल्कुल मतलब जुगाड़ method बोल सकते हो आप इसको, this is coining, coining method. ये बिल्कुल जुगाड़ method है। हम क्या करते हैं, casting लेते हैं, उस पर coin को बजा के देखते हैं। We just knock the coin on the casting. And when we knock the coin on the casting, हम उसके जो sound patterns हैं, उसको देखते हैं। When we look at the sound pattern, when we observe the sound pattern, if they are similar for the complete casting, it means casting is okay. But अगर वो sound pattern differ कर जाते हैं, तो इसका मतलब casting में कहीं ना कहीं defects हो सकते हैं, like blow holes, porosity, वो सारी चीजें, या कुछ और defect भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में casting को फिर हम हटा देते हैं, उसको फिर से मोल्ड मेल्ट करके नई कास्टिंग कर देंगे। मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो माय डियर सबसे बेसिक मेथड आप बोल सकते हो। सेकंड वे अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा एडवांस है, उसमें अल्ट्रासोनिक और एक्सरे। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक और एक्सरेज को पास करते हैं कास्टिंग में से, और फिर उनके पैटर्न्स को देखते हैं। उनके पैटर्न्स को अगर देखते हैं, जहां तक यूनिफॉर्मिटी दिखती है वहां तक कास्टिंग सही है। जहां यूनिफॉर्मिटी कम या खत्म होने लगती है, इसका मतलब है कास्टिंग इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव। सो माय डियर दीज आर द वेज इन विच वी कैन टेस्ट वेदर द कास्टिंग इज ओके और नॉट। सो माय डियर विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट 10 स्टेप प्रोसीजर फॉर कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेस। अभी नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग में हम आएंगे, पर उससे पहले कुछ एलिमेंट्स का मैंने जिक्र किया है, उनके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। जैसे मैंने कोर बताया था, जब मैं आपको बता रहा था CO2 मोल्डिंग प्रोसेस इन द टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड्स, उसमें हमको बताया था एक CO2 मोल्डिंग प्रोसेस होता है, उसको हम यूज करते हैं कोर्स बनाने के लिए, कोर CORE। और मैंने कोर के बारे में आपको बताया भी था, इट इज यूज टू जस्ट प्रोड्यूस अ होल बेसिकली। तो कोर ड्रिलिंग प्रोसेस बोलते हैं, मतलब अगर आपको होलो कास्टिंग बनानी है तो हम कोर्स का यूज करते हैं। कोर कुछ नहीं होती, मिट्टी की होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कोर के डिजाइन की, मैं बात कर रहा हूँ कोर के डिजाइन में 2016 में क्वेश्चन आया था गेट में। जैसे मैंने आपसे कहा ये मेरे पास एक कैविटी है, और सॉरी ये मेरे पास पूरा एक माउल्ड है, और इसके अंदर मैंने एक इस तरीके की, अगर मैं बात करूं इस तरह का सॉलिड सिलेंडर अगर मैं बनाना चाहता हूं, मान लो ये सॉलिड नहीं है पर मान लो सॉलिड है, अगर मैं ऐसा बनाना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, इसी सॉलिड सिलेंडर की कैविटी बना दूंगा इसमें। और ये जैसे कैविटी है, मान लो सॉलिड सिलेंडर, दिस इज कैविटी। अब ये जो कैविटी है, इसके अलावा ऑब्वियसली बात है चारों तरफ सैंड ही सैंड होगी, एवरीवेयर सैंड इज देयर। और अब मुझे कुछ नहीं करना, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक रहा होगा स्प्रू और एक रहा होगा राइजर, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब माइंड कुछ नहीं, मोल्टन मेटल ऊपर से आएगा, मोल्टन मेटल इसको फिलअप करेगा। जब मोल्टन मेटल इसको फिलअप करेगा तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन विल बी हैविंग दिस एज कास्टिंग, सॉलिड सिलेंडर आपके पास होगा। बट माय डियर अब सोचो मैं चाहता हूं होलो कास्टिंग बनाना, तब क्या करेंगे माय डियर? यही वो मोल्डिंग फ्लास्क है। और अगर इस मोल्डिंग फ्लास्क में इसको दो पार्ट में मैं कर देता हूं, एक कोर और एक कोप और एक ड्रैग, और इस बार मुझे ऐसा होलो, दिस टाइम आई वांट दिस होलो सिलेंडर। सो माय डियर अगर हमें होलो सिलेंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस टाइम। क्या करेंगे हम, वो ये करेंगे। तो माय डियर जैसे ये आपके पास सिलेंड्रिकल कास्टिंग है पर आपको होलो सिलेंड्रिकल चाहिए, तो होलो सिलेंड्रिकल के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक मिट्टी की कोर प्लेस करेंगे, यहाँ पर सैंड की एक कोर प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अभी कैविटी तो है, अब इसमें सैंड की जो कोर है ऑब्वियसली सॉलिड हो गई। अब होगा ये कि जैसे यहां से मोल्टन मेटल आएगा तो मोल्टन मेटल भरना ऐसे नीचे से शुरू होगा, कैविटी है ना ये, तो
अब ये 2D में दिख रही है ऐसे, अदरवाइज इट इज सिलेंड्रिकल। तो ऐसे मोल्टर मेटल भरना शुरू होगा और जैसे ही मोल्टर मेटल कोर के टच में आएगा, ये कोर के ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लगाने लगेगा। और एट द सेम टाइम माय डियर, कोर जो है उसका खुद का वेट है जो कि ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, और ये बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। और कोर के बैठने के लिए यहां पर जगह भी बनाई जाती है कैविटी के अंदर, जिसको हम कोर प्रिंट बोलते हैं। ऐसे कोर हवा में नहीं लटका दी जाती, तो माय डियर इसको हम बोलते हैं कोर प्रिंट। दिस इज कोर प्रिंट। और ये जो रेड वाली है इसको बोलते हैं कोर। तो कोर कोर प्रिंट पे बैठती है, कोर के बैठने की जगह क्या है, कोर प्रिंट। अब अगर हम बात करते हैं कोर की माय डियर, तो कोर ऐसे सिलेंड्रिकल है और इसके ऊपर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, और ऊपर की तरफ लग रहा है बॉयंसी फोर्स। अब ग्रेविटी फोर्स माय डियर आप जानते होता है m into g, तो इसको लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अभी डेंसिटी किसकी होगी, ऑब्वियसली मोल्डिंग सैंड जो कोर वाली सैंड है उसकी होगी। ये नीचे की तरफ लग रहा है बॉयंसी फोर्स, क्या होता है, इट इज गिवन एज वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस, वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस। अब वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस की वजह से अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया गया है, जितना कोर का वॉल्यूम है, ऑब्वियस सी बात है। सो माय डियर जितना कोर का वॉल्यूम है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इस बार डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर, दिस इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ, सॉरी मास है, अगर जी से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज गोइंग टू बी वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय कोर। कोर ने जितना डिस्प्लेस किया उसका ऑब्वियसली फ्लूइड वगैरह आपने पढ़ा होगा, ये बॉयंसी फोर्स होता है। अब ये माय डियर अपवर्ड लग रहा, डाउनवर्ड लग रहा है, ये लग रहा है अपवर्ड, तो ऑब्वियसली बात है वी और जी तो सेम है। अब डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल जो होती है ऑब्वियसली वो डेंसिटी ऑफ सैंड से ज्यादा होगी, तो इसके कारण जब आप नेट फोर्स देखेंगे तो एफ बी माइनस एफ जी इज गोइंग टू बी नेट फोर्स ऑन द कोर। तो ये जो कोर पे नेट फोर्स लगेगा माय डियर, वो लगेगा रो एम माइनस रो एस इंटू वी जी। So this is the net force acting on the core, और ये upward direction में लगता है my dear। तो अब क्योंकि ऐसा force लग रहा है upward direction में core के ऊपर, तो core का hard और strength वाला होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस force के अंदर core टूट भी सकती है। तो ऐसा नहीं हो my dear, just for that purpose we go for CO2 molding process for making the cores। Core print is the seat for core। तो my dear कुछ terminologies में students को बहुत confusion होता है, जैसे मैंने एक बताया था चिल्स। चिल्स जो होती है वो मेटालिक पीसेस होते हैं, चिल्स आर मेटालिक पीसेस जो कि हम सॉलिडिफिकेशन को फास्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने कहा कोर, कोर यूज टू मेक अ होल। फिर कोर प्रिंट, कोर प्रिंट आर द सीट ऑफ कोर। अब इसी तरीके से आगे कुछ टर्म आएंगी, जैसे जिसको हम बोलते हैं चैपलेट्स। सो माय डियर चैपलेट्स की अगर हम बात करें, वो किस लिए होता है, अभी अभी आपको पता लगा कि बॉयंसी फोर्स जो है ये कोर को तोड़ना चाहते हैं। तो माय डियर इस कोर को सपोर्ट करने के लिए कई बार हम यहां पर मेटल के कुछ सॉलिड पीसेस रख देते हैं ऐसे। अब ये मेटल उसी मेटल के होते हैं जिस मेटल को आपने मोल्टन मेटल डाला हुआ है। तो अब इस कोर को बचाने के लिए कि बॉयंसी फोर्स कोर को तोड़ ना दे, हम मेटल के पीसेस ऐसे लगा देते हैं सपोर्ट करने के लिए कोर को। तो माय डियर एक कोर टर्म पता लगी जिसको बोलते हैं चैपलेट्स। So, many जो चैपलेट्स होते हैं दे आर यूज टू सपोर्ट द कोर, दे आर यूज टू सपोर्ट द कोर। तो इस बॉयंसी फोर्स के अंदर ये कोर सही से मतलब टूटे नहीं, इसके लिए हम चैपलेट्स को यूज करते हैं। तो माई डियर चिल्स, चैपलेट्स, कोर, कोर प्रिंट, आई फील यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। नाउ वन मोर लास्ट थिंग इज देयर, दैट इज पैडिंग्स। वो बताने के बाद फिर माय डियर मैं आ रहा हूँ बेसिक और एक दो चीजों के ऊपर, जिसके साथ ही कंप्लीट होने को जा रहा हूँ, फिर दो तीन क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, और देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन कन्वेंशनल कास्टिंग प्रोसेसेस। चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको कोर का, कोर प्रिंट का, चिल्स का, चैपलेट्स का, चिल्स की बात मैंने की थी अभी हम जब देख रहे थे प्योर सॉरी स्किन फॉर्मिंग के बाद डेंड्रिटिक ग्रोथ। तो डेंड्रिटिक ग्रोथ में हमने यूज किया था चिल्स को, मेटेलिक पीसेज होते हैं वो भी। तो माय डियर उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कोर, कोर प्रिंट, चिल्स, सेपरेट, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कोर का डिजाइन भी समझ आ रहा होगा, 2016 में इससे क्वेश्चन भी आया है मैकेनिकल में, और P&I में तो पहले भी दो बार आ चुका है। तो माय डियर दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, बट क्वेश्चन आते रहते हैं, होप यू आर एंजॉइंग दिस। चलिए माय डियर बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइस, तो अभी हम दो क्वेश्चन देखते हैं, एक कोर के डिजाइन के ऊपर, दूसरा शेप फैक्टर में। दोनों गेट के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स, चलिए देखते हैं। एक ये मैकेनिकल से, P&I से। In the sand casting of hollow part, hollow part मतलब core use होगी।
एक कोर इज यूज्ड विद डायमीटर 120 mm एंड हाइट 180 mm. तो कोर का डायमीटर हमें पता है, हाइट हमें पता है. तो अगर हम सॉल्यूशन इसका देख रहे हैं, तो डायमीटर ऑफ कोर इज 120 mm, हाइट इज 180 mm. प्लेस इनसाइड माउल्ड कैविटी और डेंसिटी ऑफ माउल्डिंग सैंड, सॉरी डेंसिटी ऑफ कोर या सैंड इज 1600 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल इज 11300 kg पर मीटर क्यूब. फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन द कोर. अभी हमने देखा था जो नेट फोर्स ऑन द कोर होता है वो होता है ग्रेविटी, सॉरी बोयंसी फोर्स माइनस ग्रेविटी फोर्स. बोयंसी फोर्सेस इसको हमने नेट जो देखा था वो आया था रो एम माइनस रो सी वी जी. दिस इज 11300 माइनस 1600 पाई बाय 4 120 स्क्वायर इनटू 180 इनटू 9.81 इनटू 10 पावर माइनस 9 ऑब्वियसली क्योंकि एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है एंड हमें आंसर मिल जाएगा 193.7 न्यूटन्स. दिस इज हाउ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड माय डियर. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि शेप फैक्टर के ऊपर है. द शेप फैक्टर फॉर कास्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एनुलर सिलेंडर. एनुलर सिलेंडर मतलब होलो सिलेंडर. ये एक एनुलर सिलेंडर है, होलो सिलेंडर. दिस इज एनुलर सिलेंडर हुज आउटसाइड डायमीटर इज 30 centimeter, इनसाइड डायमीटर इज 20 centimeters, हाइट इज 30 centimeters. Point out the shape factor. अब आइडिया शेप फैक्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिफाइन होता है इस तरीके से L plus W by T. यहाँ पर लेंथ तो यही है H. विड्थ की अगर हम बात करें तो माई डियर दैट विल बी 2πr क्योंकि आप जानते हो होलो सिलेंडर इट इज गोइंग टू बी पाई डीएम. डीएम इसलिए मीन डायमीटर ले रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली होलो है इसलिए तो इट इज पाई. डीएम इज 30 प्लस 20 बाई 2 एंड थिकनेस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डी नॉट माइनस डी आई बाई 2 थिकनेस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डी नॉट माइनस डी आई एंड दैट विल कम आउट टू इक्वल्स टू 30 माइनस 20 बाई 2 5 सेंटीमीटर्स. तो आई डियर अगर इस तरह के होलो सिलेंडर आते तो इस तरीके से हम शेप फैक्टर का कैलकुलेशन करते हैं एंड इट विल बी इक्वल्स टू 30 प्लस दिस विड्थ व्हाटएवर जो भी होगी ये विड्थ जो आ रही है वो अराउंड 78.53 आ रही है. 78.53 डिवाइडेड बाय थिकनेस इज 5 एंड आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 21.70. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द शेप फैक्टर. सो माय डियर इसके आगे हम देखते हैं अब कुछ पैडिंग्स और टाइप्स ऑफ माउंटिंग टेक्निक के बारे में. चलिए पढ़ते हैं आगे. चलिए माय डियर नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पैडिंग्स. पैडिंग्स देखिए जैसे हमारी कैविटी अगर इस तरह की तो जो कॉर्नर्स होते हैं थोड़े वीक होते हैं तो माय डियर इन वीक कॉर्नर्स को हम क्रिटिकल सेक्शंस बोलते हैं. तो यहाँ पर कूलिंग रेट्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए और यहाँ पर सैंड मिल ना जाए मोल्टन मेटल के साथ क्योंकि ये वीक होते हैं मोल्टन मेटल से टूट ना जाए तो इस वीकनेस को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर भी कुछ मेटालिक पीसेस लगा देते हैं. ऐसे क्रिटिकल सेक्शंस पे वी यूज सम मेटालिक पीसेस माय डियर एंड व्हेन वी यूज दिस मेटालिक पीसेस एट द कॉर्नर्स दे आर नोन एज पैडिंग्स. सो माय डियर इसको पैडिंग बोलते हैं. और अब हम बात कर रहे हैं जैसे अगर हम माउल्डिंग प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ माउल्डिंग प्रोसेसेस. यहाँ बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हम रैमिंग फोर्सेस किस तरीके से लगा रहे हैं. तो सबसे पहले होता है मैनुअल माउल्डिंग. मैनुअल माउल्डिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि आप कॉलेज में करते थे सैंड को एक लकड़ी के हैमर से खुद हैमरिंग कर करके और उसको वो शेप देते थे कैविटी वाली तो इसको माइडियर मैनुअल माउल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं. सेकेंड वन वॉज मशीन माउल्डिंग प्रोसेस. अब अगर हम मशीन माउल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें आती है माइडियर. एक को बोलते हैं जोल्टिंग
एक को बोलते हैं स्क्वीजिंग, लास्ट वन इज जोल्ट स्क्वीजिंग। अब यहां पे समझते हैं तीनों क्या है, जोल्टिंग मतलब क्या। तो माय डियर होता ही है जोल्टिंग में हम मतलब बेसिकली जो हमारा माउल्ड है उसको प्रिपेयर करके जैसे बेड टर्न है और माउल्डिंग सैंड लगा करके एक हाइट पे ले जाते हैं, और हाइट पे या तो उसको हाइट पे ले जाकर के छोड़ देते हैं, उसके ऊपर से एक हाइट पे पंच ले जाकर के छोड़ देते हैं, तो या हैमर को एक हाइट पे ले जाकर उसके ऊपर से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो हैमरिंग होती है वो अंडर द ग्रेविटी फोर्स होती है, बट माय डियर यहाँ पर वो हैमरिंग जो है वो यूनिफॉर्म, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। स्क्वीजिंग में हम हाइड्रोलिक रैम्स को यूज करके एक यूनिफॉर्म स्क्वीजिंग देते हैं माय डियर थ्रू आउट द माउल्ड, और इसको बोलते हैं स्क्वीजिंग। जोल्ट स्क्वीजिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जोल्टिंग एंड स्क्वीजिंग, माय डियर स्क्वीजिंग। अब ये तीनों जो है मशीन माउल्डिंग प्रोसेस है, और जो लास्ट में हम बात करें एक होती है सैंड स्लिंजिंग। और मैं आपको बता दूं जो मैंने पिछली बार एक प्रोसेस बताया था आपको सैंड के पार्टिकल्स हटाने वाला फिनिशिंग में, जिसको हमने कहा था कि हम स्टील की बॉल्स दे दे के मारते हैं सरफेस के ऊपर एयर प्रेशर में, उसको शॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं। दिस इज सैंड स्लिंजिंग। यहाँ हम क्या करते हैं पैटर्न रखते हैं और मिट्टी के जो आपके स्माउल्डिंग सैंड है उसके मतलब बेसिकली कुछ पीसेस बना बना करके और पैटर्न के ऊपर हिट करते हैं, और ऐसा करके जिससे जब हम माउल्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको सैंड स्लिंजिंग बोलते हैं। बट माय डियर सैंड स्लिंजिंग सेफ नहीं है अगर आपकी कैविटी के कुछ ऐसे क्रिटिकल सेक्शन इस तरीके के हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इस तरह की क्रिटिकल सेक्शन आपके पैटर्न पे है और इस तरीके में अगर आप सैंड स्लिंजिंग करते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, ऑलवेज क्रिटिकल सेक्शन के टूटने के चांस रहते हैं इसलिए। बट अदरवाइज सैंड स्लिंजिंग इज अगेन अ मेथड टू प्रिपेयर अ माउल्ड। So my dear, this is how we can make the mould, और mould में किस तरह से forces आते हैं ये सारे मैंने आपके सामने रख दिए। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं this is the completion of conventional casting procedure। हालांकि मैं चाहूँ तो इसमें types of pattern वो सारी miscellaneous वाली चीज़ें include कर सकता हूँ और इसको बल्कि बना सकता हूँ, but my dear ये जान करके मैं उसको अलग रखता हूँ ताकि अगर कोई production को सिर्फ gate point of view से करना चाहता है और he don't want to remember much and if he can bear a risk of 2-5% then my dear for that miscellaneous जो है छोड़े जा सकते हैं। तो बाकी अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो miscellaneous को भी अच्छे से करके जाए तो कोई रिस्क नहीं है फिर my dear। So this is what conventional casting procedure is। इसके बाद हम non-conventional casting procedures को भी देखेंगे, और non-conventional casting में हम क्या क्या पढ़ने वाले, it is shell molding, it is slush casting, इट इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, कॉन्टिन्यूस कास्टिंग, इसके अलावा ये सारी जो प्रोसेस होते हैं डाई कास्टिंग्स, और डाई कास्टिंग में प्रेशर डाई कास्टिंग और इसके अलावा ग्रेविटी डाई कास्टिंग, ये सारी प्रोसेस माय डियर हम डिटेल में देखेंगे। और इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे पाइप्स बनाने हो जिसमें सीम नहीं हो, ज्वाइंट नहीं हो, उसके लिए यूज होता है, तो ये सारे प्रोसेस हम बारी बारी से देखेंगे। एंड माय डियर अगले एट द मैक्स 2-3 क्लास के अंदर, 2-3 सेशंस के अंदर आपका कास्टिंग प्रोसेस भी खत्म होने जा रहा है। सो उसके बाद हम 1-2 दिन का गैप रखेंगे ताकि आपको रिवीजन का समय मिले, उस दौरान किसी और सब्जेक्ट्स के वीडियोस को अपलोड कर देंगे जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स का हमने किया था, तो सो दैट आपको एक समय भी मिल जाए और कुछ और स्टूडेंट्स को भी मतलब जिन्होंने प्रोडक्शन कर रखा है उनको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। सो गाइज इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी, कोई डाउट है तो आप पूछें, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, एंड इन केस ऑफ डाउट प्लीज आस्क। चलिए देखते हैं आगे।